आज हम बनाएंगे इंस्टेंट खीर जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमें लगेंगे वो हम घर से ही लेंगे, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंगे 1 रोटी चावल, 2 बड़े चम्मच घी, थोड़े से काजू बादाम और इलायची, और चीनी हम मेज़्योर कैसे करेंगे, जितना हमने चावल की कटोरी ली है, बाउल लिया है, ठीक है, उसका 1.5 कटोरी जो है चीनी की हम लेंगे, क्योंकि हम इसमें दूध भी ऐड करेंगे तो हमें चीनी ज़्यादा चाहिए होगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि चावलों को पानी में अच्छे से धो लेंगे और भिगोने के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए रख लेंगे। जब चावल हमें लगेगा कि वो भीग चुके हैं तो हमने जो है वो मिक्सर में ग्राइंड कर लेने हैं बिल्कुल पतले। तो उसके लिए अगर मिक्सी में पानी भी डालना पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर लें। तो हमने कुकर रख दिया है और गैस को जो है वो थोड़ा मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे, फ्लेम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच घी के। चावलों को मैंने सोक कर लिया था पहले ही और उनको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अब जो है जैसे ही घी हो जाएगा उसके बाद जो है हम इसमें चावल डाल देंगे और साथ में हल्के हल्के चावलों को पतला कर देना है आपने, ताकि वो आराम से गल जाएं। सच्ची चावलों को हिलाते रहें और जो मीडियम है ना वो बिल्कुल लो कर देनी है अब। और इसमें हम डालेंगे 4 गिलास दूध के, ठीक है। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें कि जैसे ही आप घी डालें, घी को डालने के बाद जैसे ही चावल डालते हैं वो नीचे चिपक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आपने जैसे ही चावल डालने हैं एकदम से दूध उसी समय आपने डाल देना है दूध, अदरवाइज़ जो आपके चावल हैं वो ख़राब हो जाएंगे। हमारे चावल पहले से पीसे हुए थे, ठीक है, तो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल बन जाएंगे ये। कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और आपकी खीर तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची, इलायची को मैंने पीस लिया है, ठीक है, ये डालें क्योंकि इससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। चीनी हम इसमें ऐड करेंगे जब ये थोड़ा हल्का हमें लगेगा कि ये गाढ़ा मिक्सचर हो रहा है, इसमें कंसिस्टेंसी बन रही है। अब गैस को थोड़ा हाई फ्लेम में कर दें, फुल नहीं करना है, बस थोड़ा सा हाई करना है, और इसको जो है आप बार बार हिलाते रहें, चलाते रहें। जब आपको लगेगा कि ये हल्का सा गाढ़ा हो रहा है मिक्सचर, तो हम इसमें चीनी डालेंगे जो हमने मेजर करके रखी हुई थी। वीडियो को हम बिल्कुल नहीं काटेंगे और लगातार चलाएंगे, जिससे आपको पता लगे कि हमारी ये खीर कितनी देर में बनकर तैयार हुई। अगर वीडियो लंबी हो तो आप इसको फास्ट करके, फॉरवर्ड करके ज़्यादा तेज देख सकते हैं। ध्यान रखना है कि आप इसको लगातार चलाते रहें, अगर आप चलाएंगे नहीं तो दूध बाहर निकल जाएगा और आपके जो चावल हैं वो नीचे चिपक जाएंगे। ये देखिए चावल का एक भी दाना आपको नहीं दिखाई देगा, वो बिल्कुल इसमें दूध में मिक्स हो चुका है। अभी जो है मैं गैस को फुल फ्लेम में करने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस रियली जो हैं हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि दूध जो है वो हल्का गाढ़ा हो गया है, हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये जैसे ठंडा होगा तो उसके बाद जो है ये और थिक हो जाता है। तो अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। ये जो चीनी है ये है जितना हमने चावल लिया था 1 कटोरी, उसका 1.5 कटोरी है। इसको बार बार हिलाते रहें। अब मैं इसमें थोड़े से काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ।
पेस्ट जो है वो हम बाद में गार्निशिंग के लिए रखेंगे। लीजिए हमारी खीर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। इसे कहते हैं इंस्टेंट खीर और मुझे हार्डली अभी टाइम हुआ है बनाते हुए 5 मिनट्स, तो आप देख सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कि ये गाढ़ी हो रही है। बस इसको 2 मिनट और हाई फ्लेम में ही पकाएं। इसमें जो काजू हैं वो ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप यूज़ करें, नहीं है तो नहीं करें। ओके, खीर इज रेडी। अब डालूंगी मैं इसमें 1 चम्मच घी का और उसके बाद 2 मिनट के लिए इसको उबालना है। इसे जो है वो हमारी खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है। जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, खीर को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये और ज़्यादा मिक्सचर जो है और गाढ़ा होता जाएगा, और हो सके तो इसको बिल्कुल ठंडा, यानी कि जब ठंडा हो जाए तो आप फ्रीजर में डाल के लगाएं। फ्रीजर में जब आप बिल्कुल ठंडी खाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी होती है। मेरी खीर हो गई है, अब मैं आपको इसको ठंडा होने पर बताती हूँ कि ये कैसी लगती है। हे गाइस, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि ये खीर जो है ठंडी होके कितनी थिक हो चुकी है। ये देखिए, जब हमने बनाई थी तो पतली थी, लेकिन अब जो है ये कितनी थिक हो गई है। इसलिए ठीक है, कितना टाइम लगा, कम से कम 6 मिनट लगे इसको बनाने में। इसलिए आप भी इसको घर में ट्राई ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।